नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 6 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक भागीदारी मंत्री स्तरीय परिषद की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक भागीदारी जो बैठक है, तो यह आयोजित की गई थी दिल्ली में। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुई है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन के साथ साथ भारत ने 3 जुलाई 2024 को हाइब्रिड मोड में 6ठी वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भागीदारी मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक भी आयोजित की। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो डिप्टी एनएसए है, तो इसके रूप में टीवी रविचंद्रन, टीवी रविचंद्रन को नियुक्त किया गया है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है। संपूर्णता अभियान, तो संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है संपूर्णता अभियान। तो नीति आयोग ने देश भर के जो महत्वाकांक्षी जिले हैं और महत्वाकांक्षी ब्लॉक है, यहाँ पर 6 प्रमुख संकेतकों को प्राप्त करने के लिए 30 सितंबर तक चलने वाला 3 महीने लंबा संपूर्णता अभियान शुरू किया है। इसे महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम और महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 महत्वाकांक्षी जिलों और 500 महत्वाकांक्षी ब्लॉकों में लॉन्च किया गया है नीति आयोग की तरफ से संपूर्णता अभियान। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की स्ट्राइक मिसाइल है, जो रुद्रम 1 मिसाइल है। तो ये एयर टू सरफेस प्रकार की एक स्ट्राइक मिसाइल है, जिसका नाम है रुद्रम 1। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो डीआरडीओ ने हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका नाम है रुद्रम 1, तो रुद्रम 1 का सफलता पूर्वक परीक्षण कर लिया है। जो ये रुद्रम 1 मिसाइल है, ये हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय वायुसेना के Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट के साथ इसे एकीकृत किया गया है, जो लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BN गंगाधर, तो डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल जान लेते हैं, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय है, जो चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशेवरों, संस्थानों और अनुसंधान को नियंत्रित करता है, और इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 2020 को, जिसने भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया। तो जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, इसने भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया था। 25 सितंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। जो सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो यह है डोरंड कप। तो डोरंड कप एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है।
डोरंट कप इसके बारे में जान लेते हैं। तो डोरंट कप का जो 133वां संस्करण है ये 27 जुलाई 2024 को शुरू होगा और 27 जुलाई से 31 अगस्त तक, 31 अगस्त 2024 को ये समाप्त होगा। 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक डोरंट कप का 133वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और जिसका फाइनल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। 133वें डोरंड कप मैच कोलकाता, कोकराझार, असम, जमशेदपुर झारखंड और शिलांग मेघालय में आयोजित किए जाएंगे और जमशेदपुर में पहली बार डोरंड कप मैचों की मेजबानी करने वाला है। तो जो जमशेदपुर है ये डोरंड कप मैचों की मेजबानी पहली बार कर रहा है। डोरंड कप का जो नाम है ये ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव मार्टिमर डोरंड के नाम पर रखा गया था। फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू में भारत में ब्रिटिश रेजिमेंट तक ही सीमित था लेकिन बाद में इसे भारतीयों के लिए भी खोला गया था और डोरंड कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब जो था 1940 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग, तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब था 1940 में जिसने डोरंड कप जीता, पहली भारतीय ये क्लब था। दोस्तों ये हो गए आज 6 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।